माचिस ऑब्वियसली जलाने के लिए, अगर लाइटर है आप लोगों के पास तो लाइटर भी सही है, मेरे पास तो फिलहाल माचिस है। Hey, what's up guys? This is me once again, nawaidqureshi, and welcome back to my another vlog. Hope you guys are exactly fine. दोस्तों मेरा जो vlog है ना बहुत दिन के बाद आ रहा है, आई थिंक न्यू ईयर में ये मेरा सेकेंड vlog है, बट vlog लेके आऊँ तो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल vlog लेके आऊँ। वैसे तो आप लोगों को टाइटल लेके समझ आ गया होगा। दोस्तों हर बार मैं अक्सर घूमने जाता हूँ और कुछ करता हूँ, बट इस vlog में मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ आइडिया दिया जाए फोटोग्राफी से रिलेटेड। मैं अक्सर अपने एक vlog में बताया था आप लोगों को कि हम लोगों को करना है यार स्मोक फोटोग्राफी। स्मोक फोटोग्राफी के बारे में आप लोग कुछ में से लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो आज मेरा ब्लॉग देखने के बाद समझ आ जाएगा क्या होता है स्मोक फोटोग्राफी। दोस्तों स्मोक फोटोग्राफी करने के लिए एक्चुअली हम लोग को चाहिए होता है फ्लैश और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए रहते हैं, लेकिन यार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्मोक फोटोग्राफी एक सिंपल से कैमरे से। आप उस स्मोक फोटोग्राफी को ना अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपने कैमरे से भी कर सकते हो, लेकिन स्मोक फोटोग्राफी करने के लिए एसेंशियल होता है हमको फ्लैश ही होता है जो ट्रिगर के बदौलत चलता है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी फ्लैश व्लैश का यूज़ करूँगा नहीं, और सिंपल से कैमरे के फ्लैश से या कुछ मेरे पास लाइटिंग है उसके मदद से यूज़ करके अपन एक स्मोक फोटोग्राफी करेंगे। तो फिर करते हैं अपन स्मोक फोटोग्राफी को स्टार्ट, और दिखाऊँगा आप लोगों को क्या है मेरा सेटअप। वैसे तो उतना कुछ सेटअप नहीं रहेगा मेरा, सिंपल से सेटअप है, क्योंकि आप लोग में से जो भी करना चाहता है वो कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात मोबाइल से भी कर सकते हो आप लोग। वैसे मैं यूज़ करूँगा निकॉन का D3300 जो कि सबसे बेस्ट कैमरा है मेरे लिए, तो मतलब भाई बहुत ही अच्छा कैमरा है। बात देखो कैमरा ना कोई ख़राब नहीं होता है, यूज़ करने आना चाहिए, सबसे मैटर वही है। वैसे ट्राई करते हैं, मैं बताऊँगा आप लोगों को कैमरे सेटिंग्स जो भी है फोटोग्राफी के टाइम में। तो फिर चलते हैं अपन सेटअप तैयार करते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपने स्मोक फोटोग्राफी को। देखा आप लोगों ने मेरा छोटा सा स्टूडियो, मेरा काम हो जाता है इतने में। और अपन का क्या है, फ़ोटो स्टूडियो है, मतलब पासपोर्ट फ़ोटो ज़्यादा है तो उतना कुछ अपन एडवांस बनाए नहीं है, काम चल जाता है, ठीक है। वैसे दोस्तों अपन को करना था स्मोक फोटोग्राफी, तो स्मोक फोटोग्राफी करने के लिए अपने को कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। अपने को ज़रूरत है पड़ेगा यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पर्दा, ठीक है, ब्लैक कलर का पर्दा या कपड़ा डब्बा कुछ भी आइटम होगा तो ये अपने को काम जरूर पड़ेगा, क्योंकि अपने को पीछे ब्लैक कलर का इफेक्ट दिखाना है इसलिए। वैसे पीछे लगा है नीले कलर का पर्दा, और उधर अपने पास ग्रीन कलर का भी कर्टन है, लेकिन उसमें काम नहीं बन पाएगा, तो अपन ये नीले पर्दे से काम, मतलब ब्लैक पर्दे से काम चलाएंगे। और साथ ही साथ अपने को दिखाना है स्मोक, तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी कुछ अगरबत्ती या धूप जो भी है। फिलहाल तो मेरे पास अगरबत्ती है। भाई ये जो आवाज़ सुनाई आ रहा है ना आपको, हमारे यहाँ अभी चुनाव होने वाला है, इसी का प्रचार प्रसार चल रहा है, परेशान हो जाते हैं भाई हम लोग। देखा आप लोगों ने, एक नहीं भाई दो दो तो गाड़ी आगे खड़े हुए थे सामने में, मतलब कुछ काम करना रहता है ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। वैसे अपन कहाँ थे, मैं आप लोगों को बताया पर्दे के बारे में, और ये दो अगरबत्ती इसके साथ लगेगा हम लोग को, ये अगरबत्ती के लिए स्टैंड जो कि अपन माउंट करेंगे इसके ऊपर अगरबत्ती को, और माचिस ऑब्वियसली जलाने के लिए, अगर लाइटर है आप लोगों के पास तो लाइटर भी सही है, मेरे पास तो फिलहाल माचिस है, और अपना कैमरा जो कि इसी से लेने अपने को फ़ोटो। तो बस इतना ही है सेटअप, फटाफट से मैं सेटअप को तैयार करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है कुछ ऐसा सेटअप, आप लोग देख रहे हो ये पर्दा को मैंने ऐसा रखा है यहाँ पे, और इसके ऊपर रख दिया स्टेपलर ताकि ये पर्दा गिरे मत नीचे, और ये रहा हमारा अगरबत्ती जो कि इसको जलाएंगे और वो स्मोक निकलेगा, उसके बाद अपन कुछ फोटोज क्लिक करते हैं अपने इस कैमरे से। तो देख सकते हो आप लोग मैंने यहाँ पे अगरबत्ती को जला चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी आप ऐसा चीज़ करें ना तो ये सामने में जो अगरबत्ती का वो है इसको आपको थोड़ा सा सामने रखना है, मतलब बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस जरूरी है, तभी आप परफेक्ट फोटो ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, अगर फोटो में अगर सेट पड़ी ना तो आपको पीछे सेट दिख जाएगा पर्दे में, इसलिए अगर उसे बचना है तो अपन को ऐसे ही करना पड़ेगा, तो उससे क्या फ़ोटो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं लाइट्स को बंद कर देता हूँ, फिर अपन
सब लाइट को बंद करेंगे और जो कैमरे के फ्लैश है उसी से अपना फोटो को क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैं फ़ोटो है उसको मैं ऑटो में खींचूंगा, ना कि मैनुअल मोड में। क्या है, अपने पास एक्सटर्नल फ्लैश नहीं है ना, तो अपन को एग्जैक्ट अपर्चर साइज और जो ISO का सेटिंग है वो अपने को कन्फर्म नहीं हो पाएगा। तो अपन पहले ऑटो मोड से ट्राई करते हैं फ़ोटो खींचने का, अगर उसके बाद कुछ रहा तो अपन मैनुअल मोड में ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फ्लैश रहता ना तो अपन मैनुअल मोड से खींच सकते थे। बाकी ट्राई करते हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ से स्मोक बन रहा है। तो मैं फटाक से फ़ोटोज क्लिक करना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लाइट क्या कम पड़ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि अपन को फोटो करना है, तो इसलिए लाइट का मैटर मत लेना, फोटोज एंजॉय करना आप बाद में, ठीक है। दोस्तों अपन आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, लेकिन इन सब फ़ोटोज़ में से मुझे सबसे अच्छा फ़ोटो लगा है वो दोस्तों ये है, जो कि परफेक्ट स्मोक का शेप लिया है। और बाकी भी फ़ोटोज़ अच्छे हैं, बट सबसे अच्छा जो फ़ोटो है ना वो यही वाला है। तो इसको अपन एडिट करते हैं अपने फ़ोटोशॉप CC में। मुझे सबसे अच्छा लगता है फ़ोटोशॉप CC। मेरे जितने भी फ़ोटोज़ देखते हो आप लोग, सब मैं इसी सॉफ्टवेयर से एडिट करता हूँ, और कुछ लाइट रूम से। तो बेसिकली इस फोटो में अपन कुछ ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, सिंपली अपन ओपन करेंगे कैमरा और फिल्टर। सबसे बेहतरीन फिल्टर है भाई, मतलब इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत करोगे ना तो आपके फ़ोटो में जान आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट को 100 में कर दूँगा पूरा, और जो ब्लैक है ना उसको अपन माइनस करते हुए अप्रॉक्स 91 के आसपास रखेंगे। ज़्यादा करने से कुछ स्मोक जो है वो यहाँ से गायब होते जा रहे हैं, इसलिए इसको बेसिकली अपन 94 या 91 के आसपास रखते हैं, ठीक है। 94 परफेक्ट है। और इसमें अपने को फ़ोटो में थोड़ा बहुत और लुक चाहिए, तो अपन यहाँ से वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इसका जो सैचुरेशन है और इन्हेंस हो जाएगा थोड़ा सा, इसका जो ब्लूइश टाइप का आपको दिख रहे हैं वो हल्का सा इन्हेंस हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं 25 या 27 के आसपास रखता हूँ, सैचुरेशन इंक्रीज़ करके देखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये परफेक्ट है, इसको अपन 10 में रखते हैं, ठीक है। 10 सही है। तो बस अपने को इतना ही करना है। तो देख सकते हो आप लोग फ़ोटो कितना प्यारा लग रहा है, ज़्यादा कुछ करने को नहीं पड़ता है, फ़ोटो में खुद ब खुद जाना जाता है। तो बस ऐसे ही था हमारा स्मोक फोटोग्राफी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं अपन स्मोक फोटोग्राफी। ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा सेटअप है, आप लोगों को वीडियो देख के समझ आ गया होगा, और ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है यार। बड़े बड़े फोटोग्राफर होते हैं ना, वो क्या यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल फ्लैश और भी दुनिया भर के गैजेट्स। लेकिन मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से बताया कि कैसे करते हैं अपन स्मोक फोटोग्राफी एकदम सही तरीके से, और सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखे होगे आप लोगों को तो वीडियो समझ आ गया होगा। बाय द वे दोस्तों, अगर कुछ डाउट वाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कहाँ पे कुछ होगा तो आप लोगों को। और बाय द वे मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा में DM कर सकते हो, सोशल लिंक जितने भी हैं मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और फटाक से जाके मुझे इंस्टा में फॉलो कर लो, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं जो फ़ोटो है ना एडिट हुआ फ़ोटो वो आपको वीडियो के लास्ट में तो देखोगे ही देखोगे, साथ ही साथ मैं उसे इंस्टा में पोस्ट भी करूँगा। तो वहाँ भी थोड़ा अपना प्यार दिखा देना लाइक वेक करके, मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक दोस्तों बाय एंड टेक केयर।